अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज मैं बनाने जा रहा हूँ चिकन चीज़ बर्गर। हाउ टू मेक चिकन चीज़ बर्गर, इसकी रेसिपी बताता हूँ। ये माशाल्लाह बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का है, स्नैक्स टाइम पे आप खाएं। तो इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो अब तक पहुँचती रहे। अब हम चिकन को बोनलेस कर रहे हैं, ऐसे चिकन को अपने सेपरेट कर लेने हैं बॉयल करने के बाद। ये देखें हाउ टू मेक चिकन चीज़ बर्गर, चिकन चीज़ बर्गर कैसे बनाना है। बॉयल चिकन, चिकन को बॉयल कर लेना है। ब्लैक पेपर, काली मिर्च इस तरह डाल लेनी है। अब क्रीम डालेंगे इसमें, क्रीम। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल मिक्स हो जाए। फिर देखने में ये देखें प्यारी लग रही है। और क्रीम लगाने से चिकन भी जो है ना ये बिल्कुल जो है ये वो हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, प्यारा लग रहा है। एग बीटिंग, अंडे को हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है, बीट कर लेना है। ये बीट अब इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे। ये देखिए अंडा भी माशाल्लाह कितना खूबसूरत प्यारा लग रहा है बोल के अंदर। इसको हम बीट करेंगे अच्छी तरह से। बीट करने के बाद इसको फिर हमने फ्राई पैन में हमने इसको फ्राई करना है बटर में। तो अब ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल ये बहुत प्यारा लग रहा है। बीट आप इसको फोक से कर सकती हैं। बटर को फ्राई पैन में हमने ले लिया है, इसको हम अच्छी तरह से मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के बाद फिर हम इसमें अंडे को डालेंगे ऐसे। ये देखिए अब हमने अंडा को डाल दिया फ्राई एग। देखिए माशाल्लाह इसकी लुक कितनी प्यारी खूबसूरत लग रही है, बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखें माशाल्लाह अंडे के ऊपर जो ब्लैक पेपर जो इसमें मिक्स की थी वो भी देखा कितनी वो अपनी खूबसूरती दे रही है। और जो बटर के अंदर बनाना है, बटर का एक अपना टेस्ट है, एक अपना जायका है। इस तरह हमने अब इसको बाहर निकाल लिया है अंडे को हमने प्लेट में। तो अब हम इसमें जो हमारे स्लाइस है इसको हम गर्म करेंगे। हमने अपनी ब्रेड को गर्म करने के लिए दोनों साइडों पर ब्राउन करेंगे। गर्म गर्म का मज़ा ही आएगा ना, ताकि अंडा भी फ्राई गर्म हो, चिकन भी गर्म हो, ब्रेड भी गर्म हो, तो फिर क्या मज़ा आ जाएगा खाने में। बीच में सैलड लगा हुआ हो। अब ये बिल्कुल देखें हॉट हो गई हैं। इस तरह हमने इसके ऊपर चीज़ को मेल्ट करके लगा दिया, चीज़ का स्लाइस के ऊपर हमने इसमें चिकन का वो जो हमने माया बना कर रखा हुआ है वो इसके ऊपर लगा रहे हैं ऐसे। ज़्यादा सारा लगाएंगे ताकि खाने का मज़ा भी आए और देखने में खूबसूरत भी लगे। हम इसके ऊपर और चिकन लगाएंगे। ये देखें बिल्कुल जो है पीस बिल्कुल स्लाइस भर गया है, लुकिंग ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आप लोग भी घर में ऐसे ही बनाएं। और ये एक बंदा जो है तो अगर दो चपाती खाता है उसके लिए ये इनफ है, काफ़ी है। तो क्योंकि अगर आप लंच पे आपने नहीं कुछ खाया तो आप लंच पे खा सकते हैं। अगर आपने लंच पे कोई स्नैक्स टाइम पे भी आप खा सकते हैं, किसी भी टाइम आप रात को खा सकते हैं। अब हमने इस पर फ्राई एग लगा दिया। फ्राई एग लगाने के बाद हम इसके ऊपर जो है वो लगाएँगे जो हमने स्लाइस काटे हुए हैं टमाटर के खीरे के। अब ये देखिए अंडा इसके ऊपर लगा तो कितना खूबसूरत लग रहा है। हमने टमाटर लगाया और खूबसूरत लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और ऊपर हमने खीरा लगा दिया, कोकम्बर एंड टमाटर स्लाइसेस से और भी ये ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया, ब्यूटीफुल। और इस तरह हमने टमाटर और इनके स्लाइस लगाए, इससे और भी प्यारा लग रहा है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं स्लाइस की, सेंटर में से ऐसे कटिंग करेंगे तो ये देखेंगे कि कितना खूबसूरत लगेगा। उसमें टमाटर, खीरा, अंडा, फ्राई चीज़ और चिकन मावा, ये सारी चीज़ें नज़र आएंगे। अब हमने काट के इसको प्लेट में लगाते हैं। इसमें से मैं आपके सामने ये हमने प्लेट में लगा दिया गया है। प्लेट में लगाने के बाद अब मैं एक पीस को सीधा करता हूँ ताकि वो मसाला नज़र आए। अब देखें पीस को सीधा किया तो किस तरह मसाला भरा हुआ और ये किस तरह ब्रेड कितनी खूबसूरत लग रही है। और आप भी खाएँ। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। यकीनन मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी, मैंने काफ़ी इस पर मेहनत की हुई है। तो आप